Hey guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel, please do that right now and don't forget to press the bell icon. So as you have read from the title, this is the Sarojini Nagar haul video. So I did only one video on my channel and sorry for the disturbance because मेरे घर के पास construction हो रही है तो उसकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है. सो प्लीज बियर विद इट. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड या सो सरोजनी नगर हॉल पे मैंने एक ही वीडियो डाली थी और मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था उस पे. सो मैंने सोचा था वो विंटर की कलेक्शन थी, इस बार मैं समर की कलेक्शन लेके आई हूँ और वो आपके साथ शेयर जरूर करूँ. तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपको वहां का व्लॉग भी दूंगी, एक वहां की कलेक्शन दिखाऊंगी, बट उन्होंने मुझे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दी. मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या रीजन है इसका, तो उन्होंने मुझे बोला कि लोग YouTube वीडियो देखते हैं एंड देन उसी प्राइस पे हमसे बार्गेनिंग करते हैं कि आपने उसमें तो इस ये प्राइस दिया था तो हमें भी वही प्राइस दो. तो उन्होंने कहा कि कभी कभी वो प्राइस हमारे लिए ठीक होता है बट वो नया नया जब स्टॉक आया होता है तो उसके प्राइस थोड़े से हाई होते हैं तो वो हमारे लिए लॉस हो जाता है. तो आई अंडरस्टैंड दैट इशू. तो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड मैंने बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बस 5-6 सेकंड की एक क्लिप ली है सरोजनी नगर की कि वहाँ क्या क्या मतलब कैसे हो रहा है सब. सरोजनी नगर गई थी थर्सडे को एंड मैंने सोचा कि मैं आपको वहां से क्या क्या लाई हूँ वो जरूर दिखाऊं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग विच आई बॉट इज दिस ड्रेस. इट इज अ पर्पल कलर ड्रेस और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल में है, ये समर्स के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. एंड ये नी लेंथ की ड्रेस है बिकॉज शॉर्ट ड्रेसेस हम नॉर्मल डेज में इतनी नहीं पहन पाते, कुछ लोग पहन पाते बट मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. बिकॉज जैसे कहीं पे भी बाहर जाना है नॉर्मल डेज में, पार्टीज में तो इट्स ओके बट नॉर्मल डेज में जैसे कॉलेज जाना है या कहीं पे भी जाना है तो मैं ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. तो मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी और ये बिल्कुल कैजुअल पर्पस के लिए, और मुझे कैजुअल पर्पस के लिए ही चाहिए थी बिकॉज पार्टीज के लिए या वैसे गैदरिंग्स के लिए तो काफी कुछ है तो मुझे कैजुअल के लिए चाहिए था. सो इसके साथ शूज पेयर करके बहुत ही ज्यादा प्यारी ड्रेस लगेगी ये. और ये ड्रेस मुझे 200 की मिली थी एंड वो शॉप से नहीं ली थी मैंने, वो जो स्टॉल्स होते हैं वो राउंड स्टॉल्स जो होते हैं वहां से मैंने ली थी. फिक्स प्राइस था 200. और मुझे क्या अच्छा लगता है इस पे जो ये डिटेलिंग होती है इसके वजह से हमारी प्रॉपर फिटिंग आती है, बॉडी हगिंग लगती है और ये बहुत ज्यादा प्यारी लगती है. मैं सबसे पहले ध्यान मेरा इसी पे गया था सो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एप्रोप्रिएट है तो मैं ले लेती हूँ. और बिकॉज इसकी फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये आ जाती है नीचे से ये थोड़ी सी फ्लेयर होती है और यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग की होती है. सो ये मुझे मिली थी 200 की और बहुत ही अच्छा बाय है. इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी है इसकी काफी, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. सो आई विल शो यू द नेक्स्ट आइटम विच आई गॉट. नेक्स्ट आइटम इज दिस टॉप. इट्स अ फुल स्लीव टॉप और ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल. विंटर्स में भी ऐसे स्टाइल बहुत ज्यादा चल रहा था तो मुझे ये चाहिए था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा ये. और इसके साथ में हमें ये स्पेगेटी टाइप भी कुछ मिल जाता है जो क्रॉप में स्पेगेटी है. और इसकी एक बात ये है कि ये प्रॉपर फिटिंग की आती है, बिल्कुल डीप नहीं होती है बिकॉज ये जैसे आगे से बहुत छोटा है तो ये डीप हो तो बहुत अजीब लगता है, वियर्ड सा लगता है. सो इसकी प्रॉपर फिटिंग आती है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. प्लस ये दोनों मुझे एक साथ ही मिली हैं, कंबाइन थी ये. सो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, प्लस इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है एंड इस पे अंगद लिखा हुआ है. सो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये एंड इसका प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा था. इट वॉज ओनली फॉर ₹150 बोथ दोनों, मतलब ये पूरा एक ही सेट है बट ये रिमूवेबल है, ये मतलब अटैच नहीं है, रिमूव हो जाता है. सो ये मुझे 150 का मिला. वैसे भी मैंने ये शॉप से लिया है, थड़ी से नहीं लिया है, स्टॉल से नहीं लिया है. तो पहनावा वाली जो रोड है, अगर आप पहनावा आपके लेफ्ट में आता है तो आप आगे जाएंगे तो राइट पे आपको शॉप्स दिख जाएंगी, उस शॉप में से मैंने लिया है ये. तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था और 150 के हिसाब से शॉप में से मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा. नेक्स्ट थिंग इज दिस प्लाजो. इट्स अ सी ग्रीन कलर, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये. और साथ में इसकी कुर्ती है, ये पूरा सेट है
मुझे काफ़ी टाइम से कुर्ती सेट चाहिए था बिकॉज मुझे प्लाजो के साथ कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो ये कुर्ती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पतला फैब्रिक है। और ये वहाँ पे मुझे देखने में ट्रांजी लग रही थी बिकॉज मैं धूप की साइड देख रही थी वो, बट जब मैंने अंदर छाँव में देखी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। प्लस ये और इसका ये प्लाजो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये बड़ा गर्लिश कलर है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि लेडीज़ वियर है या समथिंग लाइक दैट। और ये हल्का सा ही डिज़ाइन है इस पर, मुझे गर्मी में प्रिंटेड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड ये पूरा सेट मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ का। ये पूरा सेट 250 का है, मुझे हल्का सा ये लूज़ है तो इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। तो इस बार मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ बट मुझे तीन चीज़ें, हाँ उसमें से तीन चीज़ें लूज़ हैं तो मुझे उसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। और मुझे टेंशन हो रही है कि इसकी तो फिटिंग हो जाएगी बट एक डेनिम है, पता नहीं उसकी फिटिंग होगी या नहीं होगी, तो देखते हैं। सो 250 में बहुत ही अच्छा है ये, आपको स्टॉल से मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं। तो मैंने एक 300 का देखा पहले स्टॉल, तो वहाँ मेरा साइज़ नहीं था वो, तो वहाँ तो डबल एक्सेल साइजेस थे तो इसीलिए मेरे को था कि बहुत ज़्यादा फिटिंग करानी पड़ेगी उसकी। इस पे भी 46 लिखा हुआ है अगर वो विजिबल है। फिर मैं आगे गई तो आगे 250 का सेट था तो मैंने कहा ठीक है, इसमें थोड़ा साइज़ भी मुझे ज़्यादा लूज़ नहीं लगा था, मुझे पता था इसकी फिटिंग तो करानी पड़ेगी बट मुझे था कि बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं था। अगर मैं वो डबल एक्सेल वाला ले लेती तो उसकी शोल्डर्स बहुत अजीब लगते, यहाँ से तो फिटिंग हो जाती बट यहाँ से वो बहुत ज़्यादा अजीब लगते। सो मैंने ये ले ली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को ये। सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस टॉप, ये स्लीवलेस टॉप है, इसका आर्म होल बड़ा लग रहा है बट बिल्कुल बड़ा नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है, बेज से कलर में है ये, बट ये मैंने प्रेस नहीं करा अभी तो इसकी ग्रेस उतनी नहीं आ रही है, तो ये आयरन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड ये आप किसी की स्टाइल किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, आप इसे डेनिम के नीचे श्रग्स के नीचे भी पहन सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं और एक्सेसरीज पेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था, ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ में उन्हीं स्टॉल्स में से। मैंने मोस्टली शॉपिंग वो स्टॉल्स में से ही करी है बिकॉज मतलब वहाँ पे स्टफ मुझे अच्छा लगता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है टॉप, बैग टू ओनली फॉर 80 रुपीज़, नॉट अ बैड डील एट ऑल। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस, गंजी बोलते हैं इसे टाइप ऑफ, सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। ये मैंने शॉप से लिया था जहाँ से वो मैंने अंगद वाला टॉप लिया था, उस स्पेगेटी वाला टॉप वहाँ वहीं से लिया था, ये मेरी नज़र लग चली गई इस पर, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से स्टाइल हो सकती है, आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं या किसी के साथ पेयर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे ऐसी चीज़ों पर बहुत जल्दी मन आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये। तो उन्होंने मुझे इसका 150 कोट किया था तो लास्ट में इसे 100 तक की बार्गेनिंग करा पाई बिकॉज वो शॉप थी तो वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। और ये स्टफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये स्टफ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये स्टफ, और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो यस, दैट टू ओनली फॉर 100 रुपीज़। द नेक्स्ट आइटम इज दिस टॉप, ये टॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, और मुझे ये टॉप काफ़ी टाइम से चाहिए था बट ऑनलाइन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा था, मुझे नहीं चाहिए था इतना एक्सपेंसिव। सो मैं सरोजनी गई तो वहाँ पे तो मुझे लगा बहुत आसानी से मिल जाएगा कि ये बहुत कॉमन टॉप है, बट वहाँ पे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और ये एक दो शॉप पे जहाँ मिला वहाँ पे इसकी ये चीज़ ठीक नहीं थी, मतलब ये नॉट वो करके ठीक नहीं आ रहा था, तो ये टाइट सही से नहीं हो रहा था, ऊपर से शेप नहीं आ रही थी। सो मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिला, एंड ये मुझे मिला 170 रुपीज़ का। उन्होंने मुझे 200 बोले थे, नहीं उन्होंने मुझे 300 बोले थे, हाँ उन्होंने मुझे 300 बोले, उन्होंने बोला लास्ट 200 ही लगेंगे। सो आई वॉज लाइक नहीं, 200 में तो नहीं चाहिए, तो मैं चली गई।
मैं धीरे धीरे आगे जा रही थी, मुझे लगा था वो बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, फाइनली उन्होंने बुला लिया, वरना बेइज्जती हो जाती, मुझे लेना तो था ये लेना पड़ता फिर, बट उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा कि लास्ट 180 लगेंगे, मैंने कहा नहीं मैं 117 दूँ, 70 ही दूंगी, तो मैंने 170 ही दिए उन्हें। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। सो ये ऐसे होता है, इसकी ऐसे शेप आती है, और यहाँ आप ये नॉट नॉट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे नॉट वाला नहीं पसंद तो आप इसे बिना नॉट के भी बांध सकते हैं, इसे नॉर्मल ऐसे करके आप इसे नीचे से सिंपल नॉट करके भी पहन सकते हैं। आप ऐसे भी नॉर्मल नीचे नॉट लगा लीजिए और ऐसे भी पहन सकते हैं। सो आई लव दिस वन। अब इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही दिखाया है, टॉप्स प्लस उसमें कुर्ती सेट, बाकी मैं बॉटम्स और जो भी चीज़ें मैं लाई हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, बिकॉज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट दो पार्ट्स बनाए हैं, तो आप आसानी से देख भी सकें और मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि वो बहुत वीडियो लॉन्ग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस हॉल में से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि आपको कैसी कैसी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मैं ट्राई करूंगी वो वीडियोस बनाने की। तब तक के लिए बाय बाय, वील मीट सून।